फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर की बहुत ही डिलीशियस और आसान सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे पनीर काली मिर्च, जिसके लिए हमें काली मिर्च लेनी है, जिसे हमें ड्राई रोस्ट करना है। गैस को ऑन कर देंगे, फ्लेम को बिल्कुल कम कर देंगे और इसे हम एक मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर देंगे। इस तरह से ड्राई रोस्ट करने से मिर्ची का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखिए, कुछ ही सेकेंड्स में हमारी मिर्ची ड्राई रोस्ट हो चुकी है। इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे। इसी पैन में हम डाल देंगे एक चम्मच घी। आप नॉर्मल घर का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर प्योर घी ले रही हूँ। इसमें डाल देंगे हम लहसुन, 4-5 कलियाँ मैंने लहसुन की ले ली है, थोड़ी सी अदरक, एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, 1 तेज़पत्ता, थोड़े से मैंने काजू ले लिए हैं 10 से 12, 2 प्याज को मैंने मोटा मोटा काट लिया है और 2 हरी मिर्च, इस तरह से मैंने उसको काट लिया है क्योंकि हमें इसे बाहर निकालना है। गैस को कम कर देंगे। बस एक मिनट के लिए हमें इसे फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं। इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। ये देखिए, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, 1 ग्लास भर के मैंने पानी डाला है। मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से और मीडियम फ्लेम पे इसे कुक करने के लिए रख देंगे करीब 10 से 15 मिनट के लिए, जैसे हमारे कांदा और जो भी हमने चीज़ें डाली हैं अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। 10 मिनट्स हो चुके हैं और इसका पानी पूरा सूख चुका है। गैस को कर देंगे बंद और इसे हम अच्छी तरह से ठंडा करके पीस लेंगे। जो इसमें हमने ये अखे मसाले डाले थे उसे हम निकाल देंगे। ये जो मैंने ग्रीन चिली डाली थी उसे भी निकाल देंगे, क्योंकि ये सब हमें नहीं डालना है। इसकी जो ग्रेवी होती है काफ़ी स्मूथ रहती है, तो हमने ये जो भी एक्स्ट्रा मसाले डाले थे निकाल देंगे। छोटी इलायची, ये देखिए, 2 छोटी इलायची, ये मैंने सारे अखे मसाले निकाल दिए हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे और इसकी हम पेस्ट बना लेंगे। इसकी पेस्ट बनाते वक्त हमें इस पानी का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। अगर ये आपका मसाला नहीं पिसता है तो आप इसमें 1 चम्मच दही डाल सकते हैं, नहीं तो दही या पानी कुछ भी नहीं डालिए। इसी तरह से हमें इसका स्मूथ पेस्ट तैयार करना है। दोस्तों, अगर आप पानी डाल देंगे तो ग्रेवी के काफ़ी छींटे उड़ते हैं। तो चलिए इसे ठंडा कर देते हैं और इसे मैं पीस लेती हूँ। तब तक हम तैयार करते हैं पनीर को। ये मैंने 200 ग्राम्स पनीर ले लिया है और इसके मैंने इस तरह से बड़े बड़े टुकड़े काट लिए हैं। एक हम डिश ले लेंगे, इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच दही के, थोड़ा सा नमक क्योंकि हमने ग्रेवी में भी नमक डाला हुआ है, थोड़ी सी फ्रेश काली मिर्च जो हमने अभी अभी ड्राई रोस्ट की थी, इसकी हम आधी क्वांटिटी डाल देंगे, बाकी आधी हम लोग ग्रेवी में डालेंगे। 1 चम्मच डालेंगे फ्रेश क्रीम, ये अमूल की फ्रेश क्रीम है। दोस्तों, अगर आपके पास अमूल की फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप घर की जो मलाई होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें अदरक लहसुन का भी पेस्ट डाल सकते हैं। ये देखिए, सभी चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया है और ये जो हमने पनीर के टुकड़े काट के रखे थे इसमें हम डाल देंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी फ्रेश कसूरी मेथी, जिसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था। मिक्स कर देंगे, इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब हम चढ़ा देंगे गैस पे एक पैन, जिसमें हम डाल देंगे करीब 1 चम्मच के प्योर घी। आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही हमारा तेल गर्म होता है दोस्तों, फ्लेम को हम बिल्कुल कम कर देंगे और इस तरह से एक एक पीस ले लेंगे और इस तरह से हम इसमें रख देंगे जैसे ये थोड़े से फ्राई हो जाए। दोस्तों, इस वक्त गैस का फ्लेम बिल्कुल कम है, अगर हम फ्लेम को हाई करेंगे तो ये पनीर हमारा पूरा जल जाएगा। 1 मिनट के बाद हम इसे थोड़ा सा फ्लिप कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने एक एक करके सारे पनीर के पीसेस को फ्लिप कर दिया है। इस तरफ भी मैंने 1 मिनट के लिए इसे फ्राई कर दिया है। इस वक्त हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम एक साइड अलग रख देंगे। तब तक हम अपनी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, ग्रेवी को मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। इसमें मैंने 1 चम्मच दही डाल दिया था पीसने के लिए। तो हम एक पैन रख चढ़ा देंगे, इसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी का, आप तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम अपनी सारी ग्रेवी डाल देंगे। इसे हम 1 मिनट के लिए इस तरह से भून लेंगे। इसके काफ़ी छींटे उठते हैं दोस्तों, आप इसे ढक के भी पका सकते हैं। बस मैं इसे 1 मिनट के लिए भूनूंगी और इसे मैं ढक के कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी।
गैस को कम कर दूंगी और इसे मैं ढक के पकाऊंगी 5 से 7 मिनट तक, जब तक इसका पूरा जो हमने घी डाला है बाहर ना निकल आए। इसमें जो हमारी थोड़ी सी ग्रेवी रह गई है इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डाल दूंगी। दोस्तों 5 मिनट हो चुके हैं, इसे मैंने एक बार बीच में चला दिया था, ये देखिए इसका सारा पानी सूख चुका है और इसने तेल को छोड़ना शुरू कर दिया है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारी ग्रेवी अच्छी तरह से पक चुकी है, ये देखिए इसने कढ़ाई को बिल्कुल छोड़ दिया है। फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों ग्रेवी ने तेल को छोड़ना शुरू कर दिया है। इसमें हम डाल देंगे 1/2 गिलास पानी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो कॉर्नर से हमारी ग्रेवी लग रही है उसे हम इस तरह से चम्मच से क्लीन कर देंगे। दोस्तों ये काजू की ग्रेवी है, ये इसी तरह से थोड़ी सी पकड़ती है कढ़ाई में। तो अब हम एक उबाल आने देंगे इसमें। ये देखिए देखते ही देखते एक उबाल आ चुका है। ये पनीर जो हमने फ्राई करके रखा था इसमें एक एक करके डाल देंगे और फ्लेम को कम कर देंगे। दोस्तों हमने सारे पनीर के पीसेज इसमें डाल दिए हैं, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अब ग्रेवी को थोड़ा सा थिक होने के लिए पकने के लिए रख देंगे, तो हम इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम इसमें ये डाल देंगे काली मिर्च जो हमने फ्रेश कूट के रखी थी, और इसमें हम डालेंगे करीब 1 चम्मच के फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, या आप घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। गैस की फ्लेम को मैंने कम कर दिया है और इसे हम ढक के 5 मिनट के लिए पकाएंगे, उसके बाद गैस को बंद कर देंगे। दोस्तों 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए ग्रेवी ने काफ़ी तेल को रिलीज़ कर दिया है। गैस को हम बंद कर देंगे और इसके ऊपर डाल देंगे बिल्कुल थोड़ी सी कसूरी मेथी, आपके पास अगर हरा धनिया है तो आप वो भी डाल सकते हैं, और इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी काली मिर्च और गैस को बंद कर देंगे। तैयार है दोस्तों हमारा पनीर काली मिर्च। दोस्तों तैयार है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर काली मिर्च। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, और हाँ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे मेरी सारी नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। बाय बाय।